तूने तो मेरे ऊपर एक्सपोज बनाया ना, तुम तेरे जैसे ना मतलब बहुत आए थे, मैंने तेरी मेरे से बीफ चल रहे तो तू मेरे से बोलना हमारा घर वालों को क्यों बीच में तू लाएगा, तुम उन्हें फेक फेक बातें बोल के यहाँ तक पानी चढ़ जाता। इधर बात कर इधर, ठीक है, इधर मेरे से बात करना, कुछ तेरे को प्रॉब्लम। ये क्या था, क्या मतलब, देख सुन, छोटी लुल्ली वाले वो भी टेढ़े वाले, मैं तेरे को बड़ा मस्त सा रिप्लाई दूंगा, सिर्फ तेरे पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट की बातों पर मैं तेरे को रिप्लाई करूंगा, जो जो तूने अपनी वीडियो में हगा है ना बड़ा तगड़ा वाला उसका मैं तेरे को रिप्लाई करूंगा, वो सारे मैंने पॉइंट यहाँ पर नोट करे हुए हैं। तो देखो जो उसकी साइड के सपोर्टर है, तुम याली वीडियो डिसलाइक करोगे आते ही पता है, पहले ये वीडियो देख लो और जो बंदा सही लगे उसी को लाइक करना और याली वीडियो देख लो, इसकी बिल्कुल हम फाड़ने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका चैनल देख लेते हैं, कितनी मेहनत करता है यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ भाई का चैनल देखते हैं भाई, ठीक है, ये खुला भाई का चैनल। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, ये क्या भाई, ये है क्या, एक एक्सपोजिंग वीडियो डाली है अनिकेत के ऊपर, ठीक है, दूसरी एक्सपोज वीडियो डाली है मेरे ऊपर। और ये बंदा मेरे को बता रहा है यूट्यूब पर मेहनत करना क्या होता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा भाई। एक एक्सपोज वीडियो डाल के तू अपने आप को यूट्यूबर बोल रहा, बहुत मेहनत करने वाला बंदा, ठीक है, साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। तो देख भाई सबसे पहले मेरे को आती आ रही है, रुक जा यार, सबसे पहला तेरा क्या पॉइंट था कि मेरा 1 लाख का चैनल है और मेरा 1 लाख का चैनल बिल्कुल डेड हो रखा, बिल्कुल डेड, व्यू आते ही नहीं है भाई, नहीं आते, कता ही नहीं आते भाई। देख इस व्लॉगिंग चैनल से पहले मेरा एक वाइंस का चैनल था जिस पर मैंने करीब 1.5 साल मेहनत करी, जिस पे मेरे 1,31,000 सब्सक्राइबर थे, वो चैनल हैक हो गया, वो मैं रिकवर नहीं कर पाया। एंड जो ये मेरा सुपर देसी व्लॉग चैनल है, इस पर मेरे एक्टिव सब्स थे 15,000 से 20,000 और कभी कभी लाखों पर भी पहुंचते थे, लेकिन कुछ कुछ ओल्ड वीडियोस रिकवर हुई है, तो मेरे एक बार चैनल पर जाकर देख लियो, तेरे को खुद ही पता लग जाएगा। हैक होने के बाद ही मेरा चैनल डेड हो गया, क्योंकि करीब 3-4 महीने तक चैनल पर कुछ भी वीडियो नहीं डली। अब जाके मेरे को चैनल रिकवर हुआ और मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, हर 2-2 दिन में, तू डाल कर देख हर 2-2 दिन में वीडियोस, तेरे को पता लग जाएगा कैसा लगता है। चल बात चल रही है ना वीडियोस की, चल एक बार तेरी वीडियो मैं देखता हूँ। ये हाथ में क्या है, ये समझ नहीं आया, एक नाखून इतना बड़ा क्यों, ये क्या है, ये और भाई तेरे बाल ऐसा लग रहा है उड़े तो ना परिंदे ने ना हग दिया। बाकी तो अपनी पूरी वीडियो में यही बोले जा रहा, ज्यादातर चैनल डैड और मेरे को चना, ठीक है भाई, मैं चना हूं तो तू भटूरा है, छोटी लुल्ली वाले वो भी टेढ़े वाले। और भाई देखो जब कोई ऊपर जाता है ना तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, इस कुत्ते में कुत्ता भी नहीं बोल सकता, कुत्ते भी वफादार होते हैं भाई। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट भाई ने क्या बोला, बार बार क्या बोल रहा था, तूने अपनी वीडियो में जे सोलंकी का टाइटल क्यों डाला। भाई जे सोलंकी का मैंने टाइटल इसलिए डाला क्योंकि वो भी इस सारी कॉन्ट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं है, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो उसके व्यूअर्स को रिकमेंड हो, क्योंकि मेरी वीडियो भी सेम टॉपिक की। अब ये नहीं मैंने कुछ और वीडियो बनाई और मैंने उसमें लिख दिया जे सोलंकी, टॉपिक सेम है, दैट्स व्हाई मैंने जे सोलंकी लिखा, ताकि उसके चैनल पर मेरी वीडियो दिखे। अब तू उसको व्यूज बोलता है कुछ भी, तेरे को जो मानना है तू मान। तो भाई तेरा भी मैंने टाइटल देखा, तेरे भी टाइटल में सबके नाम लिखे हैं, तूने तो मेरे ऊपर एक्सपोज बनाया ना तो उनका टाइटल क्यों लिखा। पहले भैया अपने आप को देख लो फिर हम बोल रहे यार, अभी आ जाए तेरे ऊपर यार। लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। बाद ये क्या बोल रहा, ना तू जानता है अनिकेत को, ना तू जानता है आदिल को, तू किसी को जब जानता ही नहीं तो तू क्यों आ रहा है कॉन्ट्रोवर्सी में, बहती गंगा में हाथ क्यों धो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर मेरे को कॉन्ट्रोवर्सी से हाइप चाहिए होती ना मैं कॉन्ट्रोवर्सी और बढ़ा देता, बट कल मैंने वीडियो डाली थी और आदिल के साथ मेरी इंस्टाग्राम पे पूरी 1 घंटा वीडियो कॉल हुई, ये साइड में तू स्क्रीनशॉट भी देख ले। एंड आदिल मेरा बहुत अच्छा भाई बन चुका है, भाई का फोन नंबर भी है, बहुत अच्छे हम भाई है, ठीक है, और मेरे को ये कॉन्ट्रोवर्सी को बढ़ानी होती ना तो मैं ऑन कैमरा बढ़ाते ही कॉन्ट्रोवर्सी, बट मैंने ऑफ कैमरा कॉन्ट्रोवर्सी खत्म करी है, इसलिए अब पता लग रहा है कौन व्यूज का भूखा है कौन नहीं। लौड़े हो तुम छोटी लुल्ली वाले, तेरा चैनल देखा मैंने। क्या बेइज्जती और हुआ तेरे ऊपर, हंसते ले लिया। एंड उसके बाद ये क्या बोल रहा, कॉन्टेंट भाई पर्सनली वीडियो साइड करके तेरे से मैं मैन टू मैन बात करता हूँ, अगर तू ये वीडियो देख रहा है एक बार तू खुद ही सोचियो कि तू क्या क्या कंटेंट बनाता है और मैं क्या क्या कंटेंट बनाता हूँ। एक बंदा जो पूरा 2.5 साल से यूट्यूब पर रेगुलर है, हर 2-2 दिन में वीडियो डालता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं तेरे आगे ना 20 बंदे खड़े कर दूँ ना उसके आगे तेरे को व्लॉगिंग के लिए बोलूँ, जो ये तूने मास्क वाली आंटी बना पड़ा है ना, ये तेरा मास्क झड़ जाएगा, ये जो बाल में लगा हुआ है ना वो भी झड़ जाएगा, काले हो जाएंगे बाल। और बाकी जो लोग मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, पहले की वीडियो देखेंगे ना, सुबह के 4-4 बजे उठ के भाई मेट्रो में जाता था, बसों में धक्के खाया, 4-4 बजे उठ के वीडियो बनाई, वो भी लाखों लोगों के आगे, तो मेरी वीडियो देख लो खुद पता लग जाएगा। एक भाई तेले में एक ही वर्ड बोलूंगा,
करेला होता है बहुत कड़वा, करेला होता है बहुत कड़वा, और तू है एक नंबर का। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साला। और तूने मेरे को क्लिकबेट किंग के ताजे दे दिए, तो तू इन सबको पता नहीं तू क्या बोलेगा भाई। तो ना तेरी वीडियो मैंने देखी, मैंने देखा तूने अपनी वीडियो में कितने एफर्ट्स करे, कितनी एडिटिंग करी तूने, और एक बार मेरी वीडियो देख ले मैं कितने एफर्ट्स डालता हूँ, कितनी कुछ करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद तू खुद ही समझ जाएगा, मतलब कैमरा अटका दिया, मास्क वाली आंटी बन गए चपड़ चपड़ चपड़। तेरे जैसे ना करीब 2-3 साल पहले बहुत आए थे, मैंने उनको घंटा फक नहीं दिया, मैं कुछ बात नहीं कर रहा था उनका। जब तूने फेक फेक बातें बोल के यहाँ तक पानी चढ़ जाता ना, मेरे को फिर आना ही पड़ा। एंड दी एंड वीडियो है तेरी को फट क्यों गया कि फेक वीडियो बना के क्लिकबेट कर करके ना, किसी बंदे पे दो दो प्ले बटन नहीं होते हैं। उस बंदे ने भी घिसी है अपनी, ठीक है, पूरे 2.5 साल की मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, ठीक है। खाना वगैरह छोड़ के मैं रात रात तक एडिटिंग करी, वो हम खुद जानते हैं, और जो मेरे व्यूअर्स है वो खुद जानता है। तूने बोल लिया और हमने मान लिया, तेरा चैनल मैंने देखा, मेरे को दिखी तू कितनी मेहनत करता है। एक बार अपनी वीडियो देख ले, तूने आज तक यूट्यूब पे दोनों चैनल की मिला के देख ले चल ले, और मेरे तू एक ही चैनल की देख ले, ठीक है। एक चैनल में 150 वीडियो डाल चुका हूँ, जो मेरा मेन चैनल है, 150 वीडियो डाल चुका हूँ, तू इसका आधे का आधा भी नहीं है। इन शॉर्ट तू है लावड़े हो तुम, छोटी लुल्ली वाले, वो भी टेढ़े वाले। और हाँ मिस्टर हर्ष 14 ब्लॉग्स आपके लिए, एक आखिरी बात, आप क्या बोल रहे थे, मैं अपनी आइटम, भाई देख तेरी मेरे से बीफ चल रहे तो तू मेरे से बोलना, मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों बीच में ला रहा है, घर वालों को क्यों बीच में तू लाएगा। चल ठीक है, तूने टॉपिक छेड़ दिया है, यूट्यूब पर एक बार देखियो इन टॉपिकों पे लोगों ने क्या क्या गंद भरा पड़ा है। मैंने तो फिर भी एक कॉन्टेंट डाला है, ठीक है, मैंने सही वीडियो डाली है। चल तेरे चैलेंज है, तू हर 2-2 दिन में वीडियो डाल के दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा कि तू ठीक है, तू भाई कॉन्टेंट क्रिएटर जो तेरे घंटा नहीं हो रहा अपना। अरे चल ठीक है भाई, आई होप सो तू समझ गया होगा, ठीक है, आई होप सो आप सब मैच्योरली मेरे सब पॉइंट समझ गए होंगे। और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना इस बंदे के ऊपर आपका क्या बोलना है, ठीक है। मिले हैं अगले प्यारे से व्लॉग में, जब तक के लिए बाय एंड पीस, शांति फैलाओ, गंदा मत फैलाओ भाई यूट्यूब पे। का मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा।